नमस्कार, मैं मंजीत बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज लाइव। दोस्तों बता दूं कि आज मैं आ चुका हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और मैं निकल चुका हूँ पंचायत की यात्रा विकास की खोज में। अभी मैं हूँ पिनरथू पंचायत में। हमारे साथ ग्रामीण जनता जुड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रोड है ये अब तक विकास की राह पे नहीं चला हुआ है। अब कैमरामैन दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए पानी लगने के कारण यहाँ के गांव की जनता कहना है, गांव की जनता ने बुलाया था कि भाई आइए और थोड़ा रिपोर्ट तैयार करिए, और अब तक ये विकास नहीं हो पाया। यहाँ के एक ग्रामीण जनता है, बुजुर्ग, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पंचायत में, क्या विकास नहीं हुआ है और रोड का विकास नहीं हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही हम कह रहे हैं, यही पानी के लिए है, चाहे रोड का देख लीजिए तमाशा कैसा है। जनाना जो लेडीज है वो लोग बहुत हेलते जाते हैं पानी के लिए। सोच के लिए यहाँ से लेकर वहाँ तो इधर मतलब शौचालय नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। चले हमारे साथ ग्रामीण जनता के महिलाएं जुड़ी, उनसे बात करते हैं। रोडा शौच खाती बाहर जानी, बाथरूम खाती? हाँ। शौचालय नहीं है बनवल? ना बनावल लो, ना बनाए लो, ना कुओं ले ना बनावल लो, कुओं बनत रहे तो ना कुओं ना बन रहे ना तो होता ना ना यू नहीं के बनवल ना बनत रहे। हाँ तो वो ना हमने का बनावल लो सोखतो मत, वो ना बनत रहे, वो ना बनल हमरे का है कहल जालो तो अगला बेरी तार बनी उनका दादा के राज के बेरी बनी। कहाँ घर आपका? नरतपुर। तो पंचायत में क्या विकास हुआ है? क्या हुआ है देखिए आप सर, रोड का नाला का वोट देते हैं? हाँ, तो इस बार क्या नहीं देते? आप ही तो शंभू भाई के देंगे। शंभू भाई कौन? शंभू भाई शंभू जो शंभू चौधरी है। शंभू चौधरी? हाँ। मुखिया लड़ने चुनाव? हाँ हाँ, इस बार? हाँ। अच्छा, चलिए बात करते हैं कैमरा मैन, थोड़ा दिखाई देखिए। क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के दौरान ये सारे तस्वीर देख रहे हैं आप कि यहाँ से वहाँ तक तमाम तरह के लोगों को आने जाने में परेशानी दिख रहा है, और साइकिल वाले जा रहे हैं, देखिए ये पैदल निकल रहे हैं। देखिए दो एक आदमी में जाने में इतना दिक्कत हो रहा है, ये पाँक कीच है, पानी लगा हुआ है बरसात के दिन में। और यहाँ पे एक और बुढ़िया जी हैं, बुढ़िया माई है, उसमें पंचायत में क्या विकास, क्या कमी लगता है? कमी लगा हुआ जन घर बना दुआर बा, हाँ। बूढ़ पुराने काम का जाए का बहुत नतीजा बाट है, बथान हो न बाबे को कर धोइल बा, उतना नतीजा बजे कहला में का बहुत समस्या बना। हाँ, बहुत हाथ ना पानी हेल के जाइले। देख कहना इनका की बहुत समस्या है, बहुत पानी लगता है। देखिए इधर लड़का सबके खेल रहा है, इधर कैमरा दिखाइए, इधर दिखाइए कैमरामैन। और भी ग्रामीण जनता जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग का घर यहीं पे है? हाँ। तो इस बार क्या चाहते हैं पंचायत में? हमारा पंचायत चाहते हैं कि शंभू मुखिया को जिताया जाए। शंभू मुखिया का घर कौन है? आगे है। अच्छा। और ये रोड का हम लोग विकास नहीं है, सब खराब है, न रास्ता है न नाली है। हाँ। नहीं नाली है और न कोई पानी का कोई जुगाड़ है, ना बाथरूम है। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? बात बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं? हाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जी। वोट देते हैं आप जी? अच्छा, तो वोट देते हैं, कितने साल देते हैं आप? है पाँच साल से। पाँच साल से जी। तो इस बार वोट किसको देंगे? है शंभू चौधरी को। शंभू चौधरी कौन? शंभू चौधरी वही शंभू चौधरी। चलिए समूह चौधरी जी, प्रत्याशी आप हैं जी? इस गांव के प्रत्याशी हैं आप? प्रत्याशी हैं। यही घर आपका? जी यही घर है, इसी टोला। नाम क्या आपका? शंभू चौधरी। तो ये पहली बार लड़ने के दूसरी बार लड़ने क्या लड़ रहे हैं? तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार लड़? हाँ, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीसरी बार लड़ रहे हैं, तो मतलब इस बार क्या उम्मीद लग रहा है आपको? यही उम्मीद है, यही जनता जनार्दन को मैं ये सारा सपोर्ट कर रहा हूँ। ये नाला उजड़ा पुजड़ा था तो मैं थोड़ा बहुत मदद किया हूँ कि ताकि हमारे गांव के माँ बहने भाई। आप करवाए हैं? ये हम करवाए हैं, ये हम करवाए हैं। आप करवाए हैं? ये हम करवाए हैं, ये हम करवाए हैं। यहाँ से मेन रोड तक करवाए हैं। अच्छा, ये आप करवाए हैं? ये हम करवाए हैं। चलिए बहुत अच्छा पहल है कि ये मुखिया जी अभी तो नहीं हुए हैं। चलिए, एक बूढ़ा बुजुर्ग हैं, बात करना चाहते हैं कुछ, क्या करना चाहते हैं? माइक छोड़िए, बोलिए। हम बोलते हैं ये हम लोग चौहान टोला में है। चौहान टोला में है? हाँ। अच्छा, बात समझ लीजिए, समझाइए। हम लोग तीन गांव में है। अच्छा, खमरा में भी है, राजापुर में है, पसंद भी है, चौहान लोग। आज तक ले इसी रोड के, अच्छा, हम लोग समुन्द्र में डूब गए हैं। हमारा छह गांव का पंचायत है, किसी नहीं जानता है जो लोग गढ़ा में रहते हैं अति पानी में रहते हैं, कितना लोग आया कितना लोग गया, हम लोग कोई बात में नहीं पूछ रहा है, छह गांव के आदमी पूछ रहा है। तो चलिए बात करते हैं, प्रत्याशी यहीं पे हैं, उनसे बात करते हैं। ये काम कुछ करवाए हैं,
तो ऐसा तो नहीं है कि काम करवा दिए तो जनता को लालच दे दिए आप? नहीं नहीं, कोई लालच नहीं है। मैं तो पहले बार कई बार कह चुका हूं कि मुझे विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ना है, अपने ग्रामवासियों को सुख सुविधा देना है। जितना भी मेरे से हो सकेगा मदद मैं करने के लिए तैयार हूं। जो वादा करते हैं तो नहीं कि मान लो थोड़ा बहुत करवा दिए यहाँ से वहाँ तक जो भी खर्च है? नहीं नहीं, ऐसे तो कई मैंने सेवा किया है। मैंने पिछले भी आपको बताए कि हर घर हर रात हर दिन मैं दौड़ा करता हूं, और मेरा ऐलान है कि जो भी पंचायत के जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, गरीब आदमी है, किसी भी चीज़ का मदद चाहिए मैं फौरन चला जाता हूं। अच्छा। ये नहीं कि मैं अपने दरवाजे पर बुलाता हूं। मैं किसी का फ़ोन आता है, मैं अपना फ़ोन नंबर पूरे पंचायत में दे रखा हूँ। अच्छा। और मेरा ऐलान है कि जो भी बूढ़े बुजुर्ग गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी चीज़ का मदद चाहिए मैं पूरा हर समय 24 घंटा तैयार रहता हूँ। अच्छा। और मैं दौड़े चला जाता हूँ, समस्या का समाधान भी करता हूँ। तो इस बार आपका मुद्दा क्या है, क्या विकास सही करेंगे आप? यही जो ये हमारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग दिक्कत में रह रहे हैं, यही सब समाधान करना है। अच्छा। ये रोड बनवाएंगे, पानी का व्यवस्था कराएंगे। हाँ। और पहले भी कह चुका कि शिक्षा के मुद्दा पर भी कुछ काम करवाएंगे। जो शिक्षा पे क्या करवाएंगे? शिक्षा पे ये करवाएंगे कि हमारे गांव में एक पंचायत में हाई स्कूल है, पिछले 10 साल से बंद है। अच्छा। और ना तो कोई एमपी, ना कोई एमएलए, ना कोई जिला परिषद, ना हमारे पूर्व मुखिया, कोई आदमी इस मुद्दे पर सवाल नहीं तो उठाता है। सकते हैं? जब नहीं हुआ तब तक आप किसी का नहीं, मेरा ये वादा है जनता से। मैं वादा तो लोग कहते हैं कि टूट जाता है। नहीं नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं विकास के मुद्दा लेके आया हूँ और मैं प्रण करके आया हूँ कि जो मैं वादा किया हूँ वो पूरा करूँगा। तो आप अभी मतलब अभी कहाँ गए थे भ्रमण करने? अभी भ्रमण करने गए थे। हाँ। और पूरे पशुवड़ और खमहौरा और राजापुर पूरा भ्रमण किए दिन भर। अभी मैं आया शाम को, हर टोले मोहल्ले हर गांव में घूमता हूं और घूमूंगा और लोगों का समस्या का समाधान करूंगा। करेंगे जी। चलिए धन्यवाद। जैसे कि देखेंगे हम बात के ग्राम पंचायत राज फिनर्थू, और मैं आया था अचानक मुखिया जी से, यहाँ से मुलाकात हुआ, ये भ्रमण पर निकले हुए थे, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, और तमाम तरह के यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई इस बार इन्हें सपोर्ट करना है। अब देखिए वक्त की बातें हैं, वक्त की कला है कि कौन सा मुखिया कौन आते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, थोड़ा कैमरा आइए कि हम दिखा देते हैं कि पंचायत में बहुत समस्या लग रहा है। अभी रोड का समस्या है, यहाँ से वहाँ तक समस्या है, अभी पीसीसी नहीं बना है, ये इटकरण का मामला बहुत दिन से हुआ था लेकिन टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि उधर इटकरण भी नहीं हुआ है, और ये गांव है पिनरथू, और तमाम तरह के लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, खड़े हैं, आ रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो समस्या है आने वाले दिनों में निपटे। आप दिखाना चाहूँगा कि गाँव का थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊँगा आप लोगों को, कैमरा मैन थोड़ा दिखाइए गाँव का नज़ारा, तो दिखाइए गाँव का नज़ारा, ये लुक है नज़ारा है, और ये चौहान टोला है, और यहाँ पे ग्रामीण जनता से कुछ सवाल और करना चाहूँगा कि यहाँ पे शौचालय का क्या दिक्कत है। ये देखिए ये समस्या देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये समस्या दिखने को मिल रहा है कि ये पानी अगर उधर के लोग यहाँ आना जाना लगा तो दिक्कत हो रहा है, तो बरसात के दिनों में पानी लग जा रहा है, तो समस्या दिख रहा है कि पानी आने जाने में दिक्कत हो रहा है, और लोगों को समस्या और आगे भी है, तो टाइम नहीं होने के कारण मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ एक मुद्दे के लिए बात करूँगा। यहाँ पे आप सोच के लिए कहाँ आए थे बाबू? बाथरूम कहाँ आए थे शौचालय के लिए? वहाँ पोखरा पे। घर में शौचालय नहीं खे? नहीं खे। घर में शौचालय बाजी? नहीं खे। तो आवेदन दिल बने आवेदन मुखिया से, बी डी सी से, सरपंच से, वार्ड से? चलिए तो क्या जी मुखिया प्रत्याशी जी आप बताइए कि क्या करेंगे आप, अगर ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग तो आप जीतेंगे तो अभी तो कोई भूल जाएंगे, सबको जाता है, सबको भूल जाता है। नहीं बिल्कुल क्या जी सही बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? आए मान लीजिए चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा आप लोग सवाल करिए एक बार कि अगर चुनाव जीतेंगे तो करेंगे। मैं वादा नहीं, मैं वादा को पूरा करूंगा। मैं इसी मुद्दा से चुनाव में खड़ा हुआ हूं और पिछले 10 साल से मैं लगा हुआ हूं, ताकि हमारे पंचायत के माताएं बहनें भाई बहन सब लोग सुरक्षित रहे और किसी भी चीज़ का कमी ना हो। तो काम करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तन मन से काम करेंगे। करिए सारे लोग से। हाँ जी करेंगे सब कुछ। हम अपने जनता जनार्दन से पूरा वादा करते हैं
कि जो भी काम होगा, जो भी समस्या होगा, सारा समस्या का समाधान करेंगे। जीतेंगे तो जनता दरबार लगाएंगे, आम सभा लगाएंगे, चुनाव जीतकर लोगों के बीच रहेंगे? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। तो नहीं तो कहेंगे पटना चले जाएं, दिल्ली चले जाएं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ। ऐसा नहीं होगा। जब जीतने के बाद, पहले मैं पूरा जनता से जुड़ा हुआ हूँ, तो जीतने के बाद कहाँ चला जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं धरातल पे काम कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बता दूं दोस्तों आप सभी को कि मैं हर गांव में समस्या को जाकर देख रहा हूं कि समस्या बिहार कितना पीछे है, सिवान जिला कितना पीछे है। और आज के दौर में सबसे बड़ा एक समस्या देखने को मिल रहा है। मैं गांव गांव में जा रहा हूं, सुबह में शाम के समय में शौच के लिए महिलाएं चाहे जो भी लोग बाहर जाते हैं, इतनी गंदगी है। मैं चाहता हूं सभी मुखियालों से, सभी BDC से, सभी सरपंच से, सभी सिवान के सभी नेताओंगढ़ से कि आप लोग चुनाव जीतिए, भले कोई काम करे चाहे मत करे, लेकिन एक चीज़ काम करे, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण करे, ताकि बहुत समस्या है। बरसात के दिनों में इतनी समस्या लगता है कि लोग त्रासदायी हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि इस समस्या को उजागर करें और लोग देखें और बिहार सरकार भी देखें। और जैसे जुड़े हुए थे अभी प्रत्याशी जो हैं, अब इनसे सपना यही है कि इन गांव की जनता करना चाहती है कि ये जीते और काम करें। देखिए वक्त कितना आता है कि वक्त में ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये वक्त ही बात बताएंगे। तो चलिए, हम जैसे बात कर रहे थे रोड पे समस्या दिखी आपको कि वहाँ रोड टूटा हुआ है और वहाँ पे मरम्मत करवाएं शम्भू जी, तो वो फिर यहाँ पे लेके आए हैं एक, ये बावली है जो कि भावली ज़मीन है और पानी लगने के कारण यहाँ पे 10-15 घर है, घर में पानी घुस जाता है, यानी बरसात के दिनों में ये पानी ओवर होता है, फ्लो होता है और घरों में लग जाता है। यहाँ पे परेशानी दिखता है, रास्ता बंद हो जाता है। ये भी यहाँ पे जानते हैं, एक बुजुर्ग हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे आप? हम लोग की यही परेशानी है कि गढ़ा का पानी कहीं निकलने का जगह नहीं है। ये गढ़ा पानी, सुनिए, देखिए एक गहरा पानी लगा हुआ है और ये पानी ऊपर फॉलो होता है, इधर आता है। बात यह है कि अगल बगल सब किसी का कस्कारी जमीन है। हाँ। कोई नहीं कहता है कि हमारे होकर जाएगा। हाँ। इसलिए गढ़ा जो है चार तरह का पानी इसमें आता है, तो बरसात के पानी जब होता है तो भर जाता है। हम लोग हमारे तो एक मुखिया प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि ये समाधान करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके परेशानी के बारे में? जी बिल्कुल, ये तो गांव का परेशानी है, तो हमारा सबसे पहला परेशानी है। इस चुनाव का मेन मुद्दा मेरा यही है कि जो ये गांव का जो 20-25 घर है, पूरे हर साल दर बदर पिछले 20 साल से ये बारिश के दिनों में पूरा ये 20-25 घरों में पानी घुस जाता है। अच्छा। जिससे ये गांव के घर के लोगों को बुरा हाल हो जाता है, कहीं इधर उधर जाना पड़ जाता है, टाइम से खाना बना नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो अब समस्या दूर करेंगे आप जीत के? बिल्कुल, अब की पारी का चुनाव का ये है मेरा मुद्दा कि सबसे पहले जीतूंगा तो इसका बता दूं आपको कि सही मायने में स्मेल भी कर रहे हैं। अभी खड़ा हूँ तो इससे मच्छर पैदा हो रहा है कि बीमारी फैल रहा है, बहुत सारा बीमारी फैल रहा है, तो पानी सड़ जा रहा है, पानी एक जगह पानी ठहराव है, ठहराव के कारण वो सड़ गया है, सड़ने के कारण बहुत सारी गंदगी उसमें फैल रहा है, मच्छर हो रहा है, फैलरिया हो रहा है, बहुत बीमारी हो सकती है। तो ये सब बहुत सारे अभी भी स्मेल हो रहा है मुझे। तो जी मेरा यही मुद्दा है कि मैं जीतूंगा, अब की पारी मुखिया का चुनाव जीतता हूं, तो पहला काम मैं इसी से शुरुआत करूंगा और इसका निरीक्षण करके इसको कहीं ना कहीं पानी का व्यवस्था करूंगा। हाँ। ये मेरा वादा नहीं, ये पक्का वादा है। पक्का वादा है जी। चलिए धन्यवाद। चलिए और आगे बात करते हैं, और भी आगे आप देख सकते हैं कि आगे बहुत सारा समस्या है, उसकी भी बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आए, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।